वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। घड़ी के 7 बजने के साथ ही बारामूला लोकसभा चुनावी क्षेत्र में मतदान जो है वो शुरू हो गया है। हम अभी हंदवाड़ा यानी सीमावर्ती जिले कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मतदाताओं की लाइनें जो है, हालांकि 7 बजे से ही पहले ही यहाँ पे विभिन्न जो पोलिंग स्टेशन थे उन पे लगी हुई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं भी सुबह, हालांकि महिलाएं सुबह सुबह जो है घर के काम में व्यस्त रहती है, लेकिन यहाँ पे जो महिलाएं जिनके पास फुर्सत थी वो पहले से ही लाइनों में यहाँ पे खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मतदाताओं की यहाँ पे लाइनें जो है वो देखने को मिल रही है। बता दें आपको कि जो ये पूरा क्षेत्र है उसमें 17.5 लाख कहा जा सकता है कि जो मतदाता है उनकी संख्या है, और 2103 जो है विभिन्न पोलिंग स्टेशन है, 1800 विधानसभा क्षेत्र जो है उन पे ये पूरा जो लोकसभा सीट जो है वो बनी हुई है। और इसमें विशेषकर कहें तो 3 जिले जो है वो सीमावर्ती है, जिसमें अगर हम कुपवाड़ा की बात करें, बारामूला की बात करें या बांडीपोरा की बात करें, साथ में परिसीमन के बाद इसमें 2 सीट्स और जोड़ दी गई है जो कि बांडीपोरा में है। बता दें आपको कि ये माहौल कैसा है, अभी कुछ से बात करके बताते हैं। सर आप बता सकते हैं कि आप जो है वोट कर रहे हैं, कैसा माहौल है और क्या खूबियां और क्या मुद्दे हैं यहाँ के? विशेषकर तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई। और जब से मतलब कि 2014 के बाद महंगाई बहुत बढ़ गई, तो हम चाहते हैं कि अब अच्छी सरकार आए और हमारे जो ये बेरोजगारी है वो खत्म। तो आपको लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है युवाओं में भी जो है महंगाई ही है? महंगाई। यहाँ पे कुछ और भी जो है मतदाता सुबह से ही लाइन में खड़े हुए हैं, आपसे बात करेंगे सर, आप ये क्या मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे क्या है? बस यही तो एक हमारा यही जो जनता यूथ का जो मसला है, बेरोजगार है बेचारे, दर पदर उधर इधर। दूसरी बात है जो हमारी बेसिक कॉमोडिटीज है, उसमें हमारा रोड आता है ये खस्ता हाल है, हमारा मतलब एजुकेशन आता है ये भी खस्ता हाल है, सब कुछ यहाँ खस्ता हाल है। हम इसलिए चुनते हैं अपने कैंडिडेट को ताकि हमें इनकी सहायता मिल जाए, हम उनसे अपनी बात कह सके और वो इन पर ये हमारा काम कर सके, इसलिए वी आर गोइंग कॉस्ट आवर मोस्ट। हमारा मतलब यही है, बाकी कुछ नहीं। जो बायकॉट था उसका कितना असर रहता था? नहीं, बायकॉट था, अब तो बायकॉट का कोई असर नहीं रहा। एवरीबॉडी वांट टू कास्ट देयर वोट, अच्छी तरह वोट अपना डालना चाहते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, तो बाकी मर्जी है अल्लाह की, कौन जीतेगा कौन हारेगा तो उसका तो हमें पता नहीं होता। तो कुल मिलाकर ये मतदाताओं का कहना है कि बहिष्कार का जो है वो एक समय था, लेकिन अब बहिष्कार का कोई साथ नहीं देता, सब वोट कर कास्ट करना चाहते हैं और विभिन्न जो यहाँ पे उम्मीदवार है उसकी क्वालिटी को लेकर। बता दें आपको कि जो उम्मीदवार है वो 22 है इस चुनावी क्षेत्र में, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, विरोधी दल के सजाद गनी लोन जो है वो भी इसी दल से जो है यहाँ से जो है अपना चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर चुनाव में एक एंट्री जो थी वो इंजीनियर ऋषि, जो कि तिहाड़ जेल में जो है मिलिटेंसी के चार्जेस पे अभी बंद है, लेकिन बता दें आपको कि उनके एंट्री से कहीं ना कहीं ये जो सीधा सीधा मुकाबला पहले सजाद गनी लोन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला के बीच में लगता था, लेकिन अब जो इंजीनियर रशीद की एंट्री कहीं ना कहीं इन दोनों को चैलेंज करती हुई नजर आ रही, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता किसको चुनते हैं। मेरा जब TV9 भारतवर्ष हंदवाड़ा। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।